नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे खस्ता और इसे हम डिजाइन में बनाएंगे और बहुत ही सुंदर लगेंगे। इसे आप किसी भी त्यौहार में बना सकते हैं या फिर चाय के साथ खाने के लिए भी इन्हें बना सकते हैं या फिर इन्हें बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाकर स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं और दिखाते हैं कितने क्रंची बढ़िया बने हैं। मैंने यहाँ पे एक बाउल में मैदा ले ली है, ये 1.5 कप मैदा है। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, सिर्फ इसमें हम दो ही चीज़ें डालेंगे। आप इसमें कलौंजी, जीरा, जो भी फ्लेवर आपको पसंद है डाल सकते हैं। और डालेंगे 1 बड़ी चम्मच रिफाइंड, हाथों से अच्छे से हम इसे मिला लेंगे। इसे मिलाने के बाद हम इसे पानी की सहायता से इसका एक टाइट डो लगाएंगे। डो को हमें टाइट ही लगाना है। और इस तरह से हम मसल मसल के अच्छी तरह से इसका डो तैयार कर लेंगे। रेसिपी पसंद आने पर आप हमारी रेसिपी को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और डो हमारा बनकर तैयार हो गया है, तो तुरंत ही हम इससे डिजाइनदार खस्ता बनाना शुरू करेंगे। मैंने यहाँ पे एक लोई ले ली है और इसे रोटी की तरह पतला बेलना है या फिर रोटी से भी ज़्यादा पतला बेलना है। और इसी तरह से हम इसे बेलकर तैयार करेंगे। और बहुत ही बढ़िया हमें यहाँ पर बेलकर तैयार करना है। एक बड़ी साइज की रोटी से ये डबल रहेगी और मैदा सूखी वाली हम डालकर इसे बेल लेंगे। और देखें, रोटी से भी ज़्यादा बड़ा साइज के हमने इसे बेल लिया है और ये बहुत ही पतली है। अब हमने चाकू की सहायता से इसके किनारे कट कर देने हैं। चारों तरफ के किनारे हम कट करेंगे। बहुत ही आसान है इन खस्ता को बनाना, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और इस तरह से बीच से अब हम कट करके इसके चौकोर पीस कट कर लेंगे। तो एक बार में ही 4 खस्ता हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे और देखने में बहुत ही सुंदर और बढ़िया लगेंगे। हमारा एक और चैनल है माँ बेटी किचन स्टार, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बस डिजाइन बनाना हम शुरू करेंगे। नीचे की तरफ से इसमें चुन्नट डालते जाएंगे और इसे घुमाते जाएंगे। बहुत ही आसान है, अगर ये चिपके तो आप पहले अच्छे से मैदा इस पर बिछा लीजिए और फिर इसे बनाना शुरू करिए। मैदा अच्छे से लगी होगी तो ये अपने आप ही खिसकती जाएगी, तो चुन्नट इसमें आती जाएगी। और इसी तरह से हम इसे खिसका खिसका कर इसकी चुन्नट बनाते जाएंगे। और देखें कितनी खूबसूरत हमारी पत्ती बनकर तैयार हो जाएगी, देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। आपको ज़रूरत लगे इसमें दबाने के बाद आप इसमें पानी लगाकर और अच्छे से इसे दबा दें ताकि ये किनारों से खुले नहीं। और हम इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए इसमें चुन्नट डालते जाएंगे। और जब सारी हम बना लेंगे तो लास्ट में सारे ही इनको पत्तियों को हम पानी से अच्छे से चिपका देंगे। अब हमने यहाँ पे कढ़ाई में तेल ले लिया है और तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो इन पत्तियों को हम डाल देंगे। आँच को हम मीडियम ही रखेंगे और इन्हें तल लेंगे। और एक अच्छा सा जब कलर आ जाए तभी हम इन्हें पलटेंगे, इसके पहले नहीं पलटेंगे। रेसिपी पसंद आने पर आप हमारी रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा। और दोनों तरफ से हमें इसे अच्छे से कलर आने तक सेकना है। और देखें इसमें बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है, बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं। और इसी तरह हम बाकी के भी सेक लेंगे। और सारी खस्ता हमें इसी तरह से तलना है। और मिलते हैं और नई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।